नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। प्रदेश की सरकार महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन सरकार के नेता ही इन दावों के धज्जियां उड़ा रहे हैं। नरनौल में एक बीएसएफ जवान की पत्नी ने बीजेपी नेता पर मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगाया। आरोप काफी गंभीर है, ऐसे में आज इसी मुद्दे पर एक चर्चा आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीरता से कदम उठा रही है, लेकिन लगता है ये कदम जमीन पर कम और हवा में ज्यादा नजर आ रहे हैं। मामला नारनौल का, जहां एक महिला ने बीजेपी के जिला महामंत्री रमेश तंवर पर छेड़छाड़ और हाथापाई के आरोप लगाए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। रमेश तंवर ने महिला के साथ कितना अभद्र व्यवहार किया, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मामले में पुलिस के कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। महिला ने बताया कि पहले इस मामले में पुलिस ने रसूख के बोझ तले शिकायत दर्ज करने के बजाय राजीनामा करवा दिया। बाद में पीड़ित ने महिला उत्थान केंद्र की मदद ली, तब जाकर मामला दर्ज किया गया। पूरे मामले में जब आरोपी महामंत्री से बात की गई तो उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया और मामले में फंसाने की बात कही। ये क्लियर कर देते कि कोई क्यों फंसाएगा तो और बात होती। पड़ोसी हैं और ये मेरे को पिछले 4 साल से परेशान कर रहे हैं। कभी किसी के थ्रू, कभी किसी के थ्रू, कभी बच्चों के साथ वारदात करवाता है, अश्लील हरकतें करवाता है। मेरे घर के अंदर भी घुस के इसने बहुत सारी वारदात की है। पिछले 4 साल में मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन लगाई नांगल चौधरी थाना में, कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही पुलिस कोई कार्रवाई करती है। प्रधान रमेश तंवर जो अपने आप को अपनी जो पावर का दोष दिखा के कि मैं तेरे को उठवा दूंगा, तेरी इज्जत को 5-4 लोगों को लगा के मैं तेरी इज्जत को उछलवा दूंगा, तेरी बेटी की भी नहीं छोड़ दूंगा और तेरे को जीने लायक ही नहीं छोड़ दूंगा। और मेरे को इंसाफ चाहिए, सिर्फ मैं अपने बच्चों के साथ सावधानी से निकल सकूं, मेरे ऊपर कोई अटैक वगैरह ना हो, मेरे को कोई यानी कि परेशानी ना हो बाहर निकलने में, बच्चियों के साथ कोई हरकत या मेरे साथ कोई वारदात न हो। फिर इन तस्वीरों को देख लीजिए और महिला सुरक्षा पर यह सरकार क्या कोशिशें कर रही है और उन कोशिशों को ठेंगा इन्हीं के नेता किस तरह से दिखा रहे हैं, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। पूरा मामला ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर समझिए। बीएसएफ जवान की पत्नी को अभी आप सुन रहे थे, जो ये आरोप लगा रही है। जिला उपाध्यक्ष रमेश तंवर पर महिला से मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप। रमेश तंवर पर महिला को डराने और धमकाने का आरोप है। घर में 2 बच्चों के साथ अकेली रहती है महिला, पति है नहीं। महिला का पति बीएसएफ में हवलदार है और जम्मू कश्मीर में तैनात है। घर पर महिला अकेली है। पुलिस पर भी बीजेपी नेता पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। जवान की पत्नी को कई बार प्रताड़ित कर मारपीट चुका है बीजेपी नेता, यह आरोप है। पुलिस पर जबरदस्ती फैसला करवाने का भी आरोप है कि पुलिस मामला दर्ज ही नहीं करती, जब जाओ तो राजीनामा करवा देती है। बीएसएफ जवान की पत्नी ने बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष पर मारपीट के आरोप लगाए। जिला उपाध्यक्ष रमेश तंवर पर महिला से मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप। बयान जो आप सुन रहे थे उसमें यह भी कि 4-5 लोगों को लगवा के घर में घुसा के इज्जत उछलवा दूंगा। ये बहुत ही गंभीर और संगीन आरोप है। बीजेपी इसका क्या जवाब देती है, या इस तरह के नेता अगर इन आरोपों में कहीं पर भी सच्चाई है तो बीजेपी की छवि को किस तरह से धूमिल कर रहे हैं, क्या हाईकमान को यह नजर नहीं आ रहा? चूंकि पूरे 2 दिन हो गए इस खबर को उठाते हुए, अभी तक कोई ठोस कार्रवाई हमें नजर आई नहीं है। इस पर पूरा मामला एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पुलिसिया कार्रवाई और पुलिसिया कार्यशैली भी सवालों के घेरे में। आप बयान में भी सुन रहे थे पीड़िता से कि पिछले 4 साल से वो लगातार शिकायत कर रही हैं, लेकिन पुलिस उनकी एक नहीं सुनती। कल हालांकि महिला थाना प्रभारी मीनाक्षी शर्मा जरूर कह रही थी कि निष्पक्ष जांच उनकी ओर से इस पर की जाएगी, बावजूद इसके अभी तक इस जांच में हमने कुछ आगे बढ़ता हुआ नहीं देखा है। एक बार फिर पुलिस का पक्ष जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और ऐसे में महिला ने अब जब मामला दर्ज हो गया है चुकी, तो अब वो कितनी डरी हुई है, डर के माहौल में है, या माफी मांग ली है, माफी मांगने को तैयार है, ये बीजेपी नेता जिला महामंत्री रमेश तंवर, ये जानना भी बेहद जरूरी है। महिला आयोग की सदस्य नम्रता गौड़ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गई हैं। नम्रता जी, आवाज मिल रही है आपको? जी
हाँ जी बिल्कुल पूछता हूँ। बीजेपी नेता ये जिला महामंत्री है रमेश तंवर, सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि महिलाओं के साथ अभद्रता अगर ये लोग ही करेंगे तो किससे उम्मीद करें? नहीं देखिए, अभद्रता तो कोई भी करेगा, हाँ कोई भी करेगा तो वो माफी के लायक नहीं है। बिल्कुल फिर चाहे वो नेता हो, कोई भी व्यक्ति हो, आम व्यक्ति हो, जब कानून सबके लिए बराबर है, कानून में किसी को भी रियायत नहीं है, तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि बख्शा जाएगा। इन्हें हाँ मिली, लेकिन इन्हें इन्हें रियायत मिली है पिछले चार, ये बीएसएफ जवान की पत्नी है, जम्मू कश्मीर में वो तैनात हैं, घर पर दो बच्चों के साथ अकेली रहती हैं। ठीक है, कहा तो हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हम सहयोग करें अपने सैनिकों के परिवारों को, यहाँ पर घर के आगे रोड नहीं बनने देंगे, घर के भीतर सुरक्षित नहीं रहने देंगे, बेटियों को खतरा, तुम्हें खतरा, घर में घुसा घुसा के चार पांच लोगों को इज्जत उछलवा देंगे, इस तरह के घिनौने इन इन पर इल्जाम है। चाहे इन आरोपों में जो भी सच्चाई है, लेकिन 4 साल क्यों धक्के खाने पड़ रहे हैं एक बीएसएफ जवान की पत्नी को? नहीं देखिए, ऐसा है कि जब भी किसी महिला के साथ इस तरह की कोई दुर्घटना ही कहूंगी, अगर होती है, कोई व्यक्ति इस तरह की बातचीत करता है, तो उसको फौरन उसी वक्त एक्शन में आ जाना चाहिए और उसको फौरन ही पुलिस को सूचना देनी चाहिए। अगर पुलिस काम नहीं करती, उच्च अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। अगर उनको भी ऐसा लगता है कि शायद की कोई सुनवाई नहीं है, तो महिला आयोग में, अगर वो किसी भी स्टेट से है, हर स्टेट के अंदर महिला आयोग स्थापित है, और वहां के किसी मेंबर चेयरपर्सन के संपर्क करके अपनी कार्रवाई को करवाना चाहिए। और नहीं तो देखिए, एक बात है, आजकल कानून सभी के लिए बराबर है और कानून के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। किसी भी महिला को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि वह अन्याय को सहन करे। कई बार हम ये देखते हैं कि बड़ा दुखद विषय है कि आजकल जिसकी सीसीटीवी फुटेज मिल गई, उसको तो फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। लेकिन आजकल जो मानसिकता है, जो पुरुषों की मानसिकता है, उनकी ये मानसिकता बनी हुई है कि महिलाएं जो बोलती है, छेड़छाड़ की घटना हो रही है, पुलिस प्रशासन भी ऐसा समझता है कि झूठ बोल रही है, बिना ही किसी तथ्य के जाने वे एक बार भी राय ये बना लेते हैं कि झूठ बोल रही है, बजाय कोई संज्ञान लेने के झूठ बोल रही है, ऐसा उन्होंने मानसिकता अपनी बना ली है, जिसके चलते महिलाओं को इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बाकायदा प्रूफ दिखाने पड़ते हैं कि देखिए, हमारे साथ इस आदमी ने जो गलत व्यवहार का किया या करने की कोशिश की, ये बहुत देने स्थिति है। इसमें जो मानसिकता जो बदलने की जो आवश्यकता है पुलिस के स्तर पर और जनमानस के स्तर पर, कि भाई अगर एक महिला किसी पर आरोप लगा रही है, ये ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है कोई महिला झूठ भी बोल रही हो, तो वो जांच का विषय रहता है कि जांच में अगर क्या पाया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि प्रथम दृष्टया ही हम ऐसा समझ लें कि जो एक महिला बोल रही है वो झूठ बोल रही है और आदमी बोल रहा है वो सही बोल रहा है। बिल्कुल, क्या कुल मिलाकर हम ये देख रहे हैं इस वक्त प्रदेश में कि जो महिला सुरक्षा के दावे हैं वो खोखले और फेल नहीं, नजर नहीं, आ रहे हैं? नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि महिला सुरक्षा के दावे खोखले हैं। हाँ नहीं, लेकिन इसके अंदर जो मैंने कहा मानसिकता, मानसिकता के अंदर जो बदलाव की आवश्यकता है। दावे देखिए, दावों का अगर हम बात करें, किस किस की नहीं, एक सेकेंड, मैं आप ही को सुनना चाह रही हूँ और समझना चाह रही हूँ। आप बार बार जो मानसिकता के लिए, किस किस की मानसिकता की आप बात कर रही हैं? क्योंकि अगर पुलिस 4 साल से एक महिला की नहीं सुन रही है तो क्या खाक सुरक्षा मुहैया कराएगी? डरी हुई है वो घर में अपनी बच्चियों को लेकर, वो ये तक कह रही है कि मैं बाहर निकल सकूं, मैं बाहर जा सकूं, कम से कम इतनी तो मुझे सुरक्षा मिले। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, ये जिन अधिकारियों की बात कर रही हैं उनके पार्ट पर ये बहुत बड़ी लापरवाही है। मैं इसको भी, मानसिकता तो है ही है वो घटिया इनकी, हाँ। बाकी अदरवाइज भी ये लापरवाही सामने आती है। इस तरह के पुलिस अधिकारियों को, मतलब इस महकमे में बने रहने कोई भी अधिकार नहीं है, ऐसे पुलिस कर्मियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर देना चाहिए। नौकरी करने के लायक नहीं है ऐसे पुलिस वाले जो इस तरह से महिला को धक्के खिलवाते हैं और उनके उनके हक के अंदर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जांच भी अगर होती है, देखिए, जब भी कोई महिला या कोई भी व्यक्ति शिकायत करता है, मैं ये नहीं कहती कि बिना जांच के किसी इनोसेंट आदमी को हम फंसा दें, बिल्कुल भी नहीं। जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच का भी एक वक्त होता है, एक टाइम होता है कि इतने समय तक जांच चल सकती है या इतने समय तक जांच चलेगी। जांच के नाम पर पुलिस कर्मी अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मनमानी करने पर आमदा रहते हैं, वो दूसरे पक्ष के साथ मिलते हैं जी। या फिर उनको इतना समय लगा देते हैं कि जो पीड़िता है वो इससे धक्के खाकर थक कर टूट कर रह जाती है कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारी महिला आयोग का जो गठन है वो भी इसीलिए हुआ है ताकि अगर पुलिस का कार्रवाई नहीं करती है तो उनके ऊपर भी निगरानी रखने के लिए महिला आयोग है। इस केस में आपका आपका इस केस में क्या रोल होगा? देखिए, मेरा, अगर हमारी हरियाणा की है तो हरियाणा की रहने के महेंद्रगढ़ से हमारी मेंबर है, वो अगर उनके संज्ञान में, मैं भी उनके संज्ञान में ला दूंगी। अदरवाइज हम लोग देखेंगे फिर इसको, कौन पुलिसकर्मी की कितनी ढिलाई बरती जा रही है, कौन लापरवाही बरत रहा है, तो उस पर हम लोग एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे।
चलिए, बहुत शुक्रिया नम्रता, आपने वक्त दिया। क्या एक्शन आ गया आपको लेने की जरूरत पड़ेगी या कब आप लोग एक्शन लेंगे, ये देखने देखने वाली बात होगी। चूंकि न्याय होना चाहिए, अगर आरोप के छींटे लगे हैं तो उसके दाग धुलने बेहद जरूरी हैं। शिव कुमार मेहता हमारे साथ बीजेपी से इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं, जिला अध्यक्ष हैं ये महेंद्रगढ़ से। शिव कुमार जी, जी जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। ये बीजेपी के नेताओं पर किस तरह के आरोप हैं? सीसीटीवी में भी दिख रहा है महिलाओं के साथ अभद्रता। महिलाओं के साथ अभद्रता कोई दिख रही है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और कानून अपनी कार्रवाई करेगी। ये कानून तो अपना काम करेगा, पार्टी तब तक के लिए क्या करेगी? क्योंकि आरोप बहुत संगीन है, छेड़छाड़, मारपीट, धमकी, जो ये आरोप है वो बहुत गंभीर मसले हैं। क्या फौरी तौर पर एक्शन पार्टी ने नहीं लेना चाहिए था? नहीं, इस विषय पर हम जानकारी ले रहे हैं, वह जानकारी लेकर के जो भी कोई जिसकी गलती है उसको हम। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, आप लोगों को जानकारी लेने में इतना टाइम, इतना वक्त कैसे लग जाता है? सीसीटीवी फुटेज को आप लोग झुटला देंगे क्या? आपको जानकारी नहीं है, मैं जानकारी दिलाती हूँ। खुद पीड़िता इस वक्त फोन लाइन पर है, सुनिए उन्हें आप जरा। जी 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 मैम, आप फोन पे हैं? जी जी मैं हूँ। आप बताइए, इन्हें जानकारी ही नहीं है कि हो क्या रहा है, इनके नेताओं के किस तरह की गुंडाई चल रही है, क्या हुआ था आपके साथ, बताए इन्हें और फिर मैं सुनती हूँ इनका क्या जवाब होता है, क्या एक्शन लेते हैं ये। ये मैडम पिछले 4 साल से परेशान कर रहा है मेरे को। हाँ। और ये ऐसी वारदात मेरे साथ 2-3 बार हो चुकी है। ये जो वारदात कर रहा है सीसीटीवी में, ऐसी वारदात 2-3 बार हो चुकी है मेरे साथ, और मेरे बच्चों के साथ भी वारदात कर रहा है ये, और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही पिछले 4 साल में। मैंने बहुत बार क्या क्या आपको धमकी मिली, क्या किस तरह से आपको डराया गया, जो भी आरोप आपने लगाया आप पूरी बात बताए। मेरे को धमकी दी गई है कि मैं तेरे को उठवा दूंगा, तेरी इज्जत भी नहीं, तेरी इज्जत को नीलाम कर दूंगा, तेरे को यहाँ तेरे पति को तेरी लाश भी नहीं मिलेगी, और मेरे बच्चों को उठवाने की धमकी दी गई है। तो कुछ भी यानी कि ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही हैं जो मैं बता भी नहीं सकती, ऐसी ऐसी अश्लील गालियां दी जा रही है, क्या बताऊं मैं आपको। बताइए जरा, बीजेपी में ऐसे नेताओं की जरूरत है क्या? जी जी मैडम जी, मेरे को जानकारी मिली, मैं तुरंत मेरे एक दो साथियों को लेकर के आज मौका मायना करने गया। मैंने वहाँ इस जो आप बात हो रही लाइन पर है ये बिटिया, इससे मेरी बात हुई है बैठ करके 1 घंटा। इनका मैंने इनका घर देखा, मौका मायना देखा, मैंने रमेश या घर का मौका मायना देखा। जो मुझे मौके पर कोई कमी बेसी नजर आई, जो रास्ते के बारे में इनका झगड़ा हुआ था उसके निवारण हो गया था, और जो इनकी दीवार के ऊपर उनकी जो कुछ वो लग रही है तो कोई ये टीन लग करके लग रही है, मैंने वहां कह दिया कि अपनी दीवार निकाल करके उस दीवार पर लगाएंगे। इनकी दीवार में सील आ रही है रसोई में उनकी दीवार की तरफ से, वहां मैंने कह दिया कि इनकी जो सील आ रही है इस साइड में अपनी दूसरी व्यवस्था करके इसको ठीक कर लेंगे। ये दो बात मेरे सामने आई, और कोई छोटी मोटी और बातें इन्होंने मेरे को रखी। मैंने छोटी मोटी बातें, घर में 4-5 लोगों को घुसा के इज्जत उछलवा देंगे, बाहर खुले में नहीं घूमने देंगे, घर पे कब्जा कर लेंगे, घर से निकलने में ये बीएसएफ जवान की पत्नी अपने बच्चों को लेकर डरी हुई है, घर में छुप के ये बैठी हुई है डर के मारे, आपको ये छोटी मोटी बातें लग रही हैं? अभी तक आप ये कह रहे थे जांच करवाएंगे, अभी तुरंत आपने पूरा होमवर्क सुना दिया कि मैं बात करके आ चुका हूँ, मैं सुलह करा के आ चुका हूँ, हर दफा राजीनामा क्यों? अभद्रता की है वो दिख रही है, आपने तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया? आपको ये छोटी मोटी बातें लगती हैं जनाब, मजाक कर रहे हैं क्या आप? मैडम जी मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात सुन के ही रिप्लाई कर रही हूँ सर। मेरी आप पुनः सुनिए मेरी बात, बताएं। मैंने जो बात मेरे संज्ञान में आई, हाँ, मैंने मेरे सीनियर से बात करी। आपके संज्ञान में क्या आया जो आपने क्या एक्शन लिया, और किस सीनियर से, नाम बताएं आप, क्या बात की है, आप पूरी बात बताएं। मैंने मौके पर जाकर के इस लड़की से मैंने बैठ करके बात की है, इससे मेरी 1 घंटे बात हुई है। मैंने इनको आश्वासन दिलाया है कि न्याय मिलेगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। माफी मंगवाया आपने रमेश तवर से, आपको इन सीसीटीवी फुटेज पे आपत्ति नहीं हुई, क्या रमेश तवर ने माफी मांगी इनसे? नहीं, मेरे पास जानकारी आते ही तो मैं मौके पर चला ही गया ना सर। मौके पे जाके आपने क्या किया? आप मौके पे गए नहीं गए ये विषय नहीं है,
ये विषय नहीं, आप मौके पे गए नहीं गए, रमेश तावर ने इनके साथ बदसलूकी की वो दिख रहा है, उस पर आपने क्या एक्शन लिया आप वो बताएं, वो आप यहाँ फोन पे बैठे बैठे एक्शन ले सकते थे सर। ऐसा है जी, मैं कोई इसमें वो नहीं कि मैं वहाँ जा करके ही तो देखू ना, मैं दूसरे आपने दोनों की बात हुई है, मैं पूछू तो सही ना भाई क्या हुआ। जनाब गोल गोल घुमाना बंद करें, आप ये बताएं आपने एक्शन क्या लिया, आप मौके पे गए, वाह बहुत अच्छी बात है, लीजिए सरा दिया, आप बताएं उसके आगे एक्शन क्या लिया। ये बिटिया बताएगी कि मैंने मौके पर इनको क्या समझाया, क्या आश्वासन दिया, क्या मौके क्या हुआ, मैंने तुरंत वहाँ उनके घर किचन की दीवार और सड़क की आप बात कर रहे हैं, बदसलूकी पर आप बात ही नहीं कर रहे हैं। एक सेकंड रुकिए, यही बताएंगी ना मैम, आप इनकी कार्रवाई से संतुष्ट हैं, रमेश तवर ने आपसे माफी मांगी। मैडम आश्वासन तो मेरे को पिछले 5 तारीख से मिल रहा है, कार्रवाई तो कुछ भी नहीं हुई है पिछले 5 तारीख से आश्वासन ही मिल रहे हैं मेरे को, और जो मारपिटाई हुई है क्या उसने माफी मांगी है, क्या जो बदसलूकी की है उसने एक बार भी किसी लोगों ने ये कहा है कि वही आपने। शिव कुमार जी सुन लिया आपने? जी मैडम जी मैं आपके माध्यम से सुन रहा हूँ, मैंने एकांत में भी सुन ली, मैं इन्होंने मेरे को बात बताई कि भाई इस दीवार का झगड़ा है, और मैंने उस दीवार का 5 मिनट में फैसला कर दिया, आप अपने किसी एंकर को भेज दीजिए, वहाँ दीवार का काम चल रहा है। सर हमारा कौन है एंकर और रिपोर्टर वहाँ जाएगा, ये आप तय नहीं करेंगे, आप वहाँ जाके एक दीवार का काम निपटवा के आप चले आए, जो बदसलूकी हुई जो मारपीट हुई उसका क्या, रमेश तवर पर आपने क्या एक्शन लिया, आपकी बातों से तो लग ही नहीं रहा कि आप एक्शन लेने वाले भी हैं। क्या क्या मैडम जी, आपको दीवार और दीवार की सीलन दिखी, महिला के साथ हुई बदसलूकी नजर नहीं आई, आप मुझे समझ नहीं पा रहे हैं या आपके पास जवाब नहीं है देने के लिए? नहीं मैं आपको भी समझ पा रहा हूँ, आपने रमेश तवर से माफी मंगवाई हाँ या ना? नहीं माफी मंगवाने का बैठ के करने का ये भी तो कुछ तय होता है ना, क्या तय होता है सर, मुहूर्त निकलती है, मारने पीटने के लिए तो मुहूर्त निकला नहीं, क्या बोल रहे हैं आप शिव कुमार जी, उम्मीद नहीं थी आप इस तरह के जवाब देंगे, जिला अध्यक्ष है सर आप, ठीक है आपके जिले में महिलाओं के साथ आप ही के नेता अपमान कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं उन्हें, आप ये किस तरह का जवाब दे रहे हैं सर, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपको दीवार का सीलन दिख गया, आपको ये नहीं दिखा महिला के साथ बदसलूकी हुई, आप मुझे सीधे सीधे जवाब दें, रमेश तवर से आप माफी मंगवाएंगे या नहीं? ये मेरे मेरे संज्ञान में जो बात आई है उन पर मैं कार्रवाई कर रहा हूँ सर, अभी अभी पीड़िता अपना टुकड़ा, शिव कुमार जी आप, मैं आपको एक बार पहले क्लियर कर चुकी, फिर क्लियर कर देती हूँ, आप मुझे गोल गोल नहीं घुमा सकते, अभी पीड़िता ने खुद बताया आपके ओर से केवल आश्वासन मिला है वो दीवार के मसले को लेकर, चलिए ठीक है जो बदसलूकी हुई उस पर पार्टी रमेश तवर पर क्या एक्शन लेगी, आप क्या एक्शन लेंगे, उन्हें आप लोग हटा रहे हैं या माफी मंगवाएंगे हाँ या ना, मैं बहुत सीधे शब्दों में पूछ रही हूँ सर, इसी बात का जवाब दे। देखो मैडम जी मेरे संज्ञान में आते ही मैं वहाँ पहुँचा सर, मुझे नहीं सुनना सर, आप पुराना रिकॉर्डिंग क्यों बजा रहे हैं, आप फिर वही बात कह रहे हैं, और भी बहुत सारी खबरें हैं सर रमेश तवर के इस कांड के अलावा, और भी बहुत सारी खबरें हैं वो भी पहुंचानी है मैं दर्शकों तक, आप ये बताइए रमेश तवर से आप माफी मंगवाएंगे या नहीं, महिला के साथ बदसलूकी पर पार्टी रमेश तवर पर क्या एक्शन लेगी? इसमें जो जायज एक्शन है वो हम लेंगे सर, क्या जायज माफी मंगवाएंगे आप? बिल्कुल बैठ करके, अब मेरा भी जो फर्ज है मैं उसी हिसाब से तो करूंगा ना, मैं कोई भी सीधा ऐसा कर दूं मैं मेरे मेरे से सीनियर इस वक्त है, क्या आपको अपना फर्ज नहीं मालूम जी? आपके पास सर जवाब क्यों नहीं है, आपको फर्ज नहीं मालूम या कहीं से पूछ के आपको जहाँ से जो रटा रटा या बोला जाएगा आप वो बोलने की तैयारी में है? मैडम जी मैं मेरा फर्ज मालूम है इसीलिए तो मैं वहाँ इसके पास गया हूँ लड़की सर, फिर आप पुराने रिकॉर्डिंग पे चले गए, आप वहाँ गए बात करके आ गए, मैंने कहा वाह बहुत अच्छी बात है, अब कितनी बार वाह वाही लेंगे सर, आप ये बताएं बदसलूकी का क्या, माफी मंगवाएंगे या नहीं हाँ या ना सर, आपको हाँ बोलने में इतनी आपत्ति क्यों हो रही है सर, या तो होने दीजिए आप महिलाओं के साथ बदसलूकी, आपके नेताओं पर आरोप है, आपको इसकी संगीनता गंभीरता समझ में नहीं आ रही है? उनकी गलती है तो उनको माफी मांगनी पड़ेगी, अवश्य मांगनी पड़ेगी, अवश्य मांगेंगे। और पार्टी क्या एक्शन लेगी? पार्टी एक्शन लेगी, वो उनकी गलती देख करके तो लेगी ना भाई, वो गलती पे स्वीकार अभी तक आपने गलती ही नहीं देखी, आप जिला अध्यक्ष है सर, अभी तक आपको पता ही नहीं है मसला क्या है, गलती क्या है? मैंने मैडम जी मैंने ये बात देखी तभी तो आप पहुंचा हूँ, फिर आप वापस वहाँ पहुँचने वाली बात पे चले गए, जनाब बदसलूकी वाले पोर्शन पे आ जाइए, मैं ट्रैक आपको बदलने ही नहीं दूंगी, आपने बहुत देरी बाद ये स्वीकार किया कि अगर गलती होगी तो माफी मांगनी पड़ेगी, ठीक है जब वो माफी मांगेंगे उस वक्त पार्टी क्या एक्शन लेगी,
पार्टी जो पार्टी से बनता है, जो जायज बनता है, जो जनहित में बनता है। चलिए सर, मैं समझ गई, आप बहुत गोल गोल घुमा के बात कर रहे हैं, और जब तक ये चीजें क्लियर नहीं हो जाती कि पार्टी को, पार्टी ने इस तरह के नेताओं पर जो ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं, इसे लेकर क्या एक्शन लेती है, सख्त एक्शन लेती है नहीं लेती, तब तक मैं लौट कर आती रहूंगी। शिव कुमार जी, मैं भी देखती हूँ आप कब तक मुझे गोल गोल घुमाते हैं। बहुत धन्यवाद, वक्त दिया आपने। मैम, उम्मीद करती हूँ जो आरोप लगे हैं और आपने जो पुलिस कंप्लेन की है फिलहाल, उस पर आपको न्याय मिले और ये जांच सही दिशा में आगे बढ़े। खास खबर में यही रुक रहे हैं।